तो मौसम के बदलाव के साथ ही रायपुर के कुछ इलाकों में डायरिया की शिकायत देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार डायरिया के मरीज लाभांडी इलाके में देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस पर जिला स्वास्थ्य विभाग का अमला अब मुस्तैद हो चुका है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि पिछले 5 दिनों में किसी तरह का नया केस नहीं देखा गया है। वहीं स्थिति अब नियंत्रण में देखी जा रही है। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मौसम को लेकर आने वाली और बीमारियों को लेकर जिले की टीम को अलर्ट होना बताया है। साथ ही लोगों से साफ सफाई रखने और खाने पीने की चीजों में सफाई का ध्यान रखने की बात कही है। जिले में डायरिया को लेकर और अन्य गर्मी में होने वाली बीमारियों को लेकर जिला अलर्ट है। जिलाधीश महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार सर्वे का और अगर कोई मरीज मिल रहा है तो उसके ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। वर्तमान में अभी लावंडी में जो डायरिया का प्रकरण हुए थे अब वहाँ 5 दिन से एक भी केस नहीं है, क्षेत्र नॉर्मल हो गया है और इस प्रकार की शिकायत अभी कहीं से और नहीं आई है। लोगों को हम साफ पानी पीने, पानी उबाल कर पीने, ताज़ा गर्म भोजन करने, साबुन से हाथ धोकर भोजन करने और कोई भी शिकायत होती है तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच और उपचार कराने की सलाह दे रहे हैं। और अपील ये है मेरी तरफ से कि अभी वर्तमान का मौसम गर्मी और कभी कभी बारिश हो रही है तो होटल में खुले होटल और ठेलों में खुले खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें और ताज़ा स्वच्छ सब्जी, ताज़ा गर्म भोजन का ही उपयोग करें। सफाई की सूचना वो नगर निगम से लगातार अभी एक ग्रुप बना है जिसमें डेली सफाई के फोटोज़ भी आ रहे हैं